What's up everyone, welcome back to the channel. तो guys, हम लोग पढ़ रहे थे business environment, और business environment के आज dimensions पढ़ने के बाद आपका chapter almost complete हो जाएगा. तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं कौन कौन से business environment के dimensions होते हैं, और as per schedule हम लोग को भी planning भी करना है, तो जल्दी से इसको complete करते हैं, फिर move towards planning. चलिए let's begin. सबसे पहले शुरुआत ये होती है कि डायमेंशंस का मतलब क्या होता है. तो व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय डायमेंशंस? डायमेंशंस का मतलब वो सभी एलिमेंट्स जो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के आसपास होते हैं, मतलब आपके बिजनेस में जितनी भी चीज़ें इंपैक्ट कर रही हैं. जैसे सपोज कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है कोई GST के ऊपर, या फिर आप ये मान लो कि कोई बेसिकली कोर्ट का कोई नया एक तरीके का कोर्ट ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिससे आपके बिजनेस में इंपैक्ट आ रहा है. कोई भी चीज़ हो सकती है, कंज्यूमर का बिहेवियर है, डिमांड चेंज हो गया किसी चीज़ का, ये सब हमारे डायमेंशंस का पार्ट होते हैं. तो व्हाट आर द डायमेंशंस? डायमेंशंस और द फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, क्या क्या चीज़ें आती हैं इसके अंदर बेटा जी, पांच चीज़ें हमें कंसिडर करके चलनी है. फाइव थिंग्स. कौन कौन से पांच एलिमेंट्स हैं? सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं इकोनॉमिक, ठीक है, उसके बाद सोशल, देन वी हैव टेक्नोलॉजिकल के बाद वी हैव पॉलिटिकल के बाद वी हैव लीगल. तो देखो, पांच हमारे पास फैक्टर्स हैं जो इसके अंदर आ जाते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, जो बेसिकली रेलेवेंट रहते हैं एक बेसिक डिसीजन मेकिंग के लिए, बिजनेस में कैसे क्या काम करना है, किस तरीके से करना है. तो इन सबकी स्टडी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बिजनेस के परफॉर्मेंस पे भी बहुत इंपैक्ट रखते हैं. अब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा सर? हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पूरा केस स्टडी बन के. केस स्टडी में आपको बोलेगा कि आइडेंटिफाई करो कि जितने डायमेंशन दिए गए हैं इस केस स्टडी में वो कौन से हैं. क्या वो पॉलिटिकल है, क्या वो इकोनॉमिक है, क्या वो सोशल है, क्या वो टेक्नोलॉजिकल है, क्या वो लीगल है. तो रटने से तो भैया काम नहीं चलेगा. हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो मैं आपको अभी सारे की पॉइंटर्स बता दूंगा जिससे आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी. सबसे पहले सर, याद कैसे रखें? देखो, जैसे नेस्ले होता है ना, वैसे ही पेस्ले होता है. नेस्ले की मैगी तो सबने खाई होगी, वैसे ही पेस्ले होता है. PESTLE. सर पेस्ले क्या है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल. देखो सारे आ गए ना पेस्ले में. तो क्या क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट? इज अ पेस्ले. P stands for political, E for economic, S for social, T for technological, LE for legal. ठीक हो गया. इसके बाद अब इन्हें डिटेल में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं. देखो सर, ये सारे के सारे, इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें हम कौन से पर्टिकुलर डायमेंशन में किससे रिलेटेड बातें करेंगे? देखो, विल स्टार्ट विद इकोनॉमिक. इकोनॉमिक क्या होता है? इकोनॉमिक एनवायरमेंट में आपके पैसे से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, कोई इंटरेस्ट रेट, डिमांड, सप्लाई है ना, मार्केट, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, इंटरेस्ट रेट हो गए, कैश रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स हो गया, उसके अलावा आपकी इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉवर्टी, जितने भी फैक्टर्स, नेशनल इनकम, GDP, जितने भी फैक्टर आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो या कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी को पैसे के रूप में इंपैक्ट करते हैं, वो सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आते हैं. तो कहीं भी ऐसा कुछ पैसे से रिलेटेड लिखा हो, या आपके चैप्टर्स जो आपने पढ़े हैं 11th-12th में है ना, कंज्यूमर का बिहेवियर, कंज्यूमर की डिमांड, प्रोडक्शन, कॉस्ट, सप्लाई, रेवेन्यू, मार्केट, सब सारे इकोनॉमिक में आ जाते हैं. आसान हो जाएगा आइडेंटिफाई करना. सर सोशल किसको बोलेंगे? सोशल नाम में ही है, सोसाइटी से रिलेटेड. कोई सोशल गैदरिंग है, कोई दिवाली फेस्टिवल की बात हो रही है, ईद की बात हो रही है, क्रिसमस की बात हो रही है, न्यू ईयर की बात हो रही है, किसी भी तरीके से कोई सोसाइटी के लिए अच्छी चीज़ है, जहाँ पे हम सोसाइटी के लिए पेड़ लगा रहे हैं, सोसाइटी के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ जो समाज के लिए अच्छी है, वो सब सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट हो जाता है. टेक्नोलॉजिकल में हम लोग क्या क्या कंसिडर करेंगे? टेक्नोलॉजी. भाई पहले आप लोग ऑफलाइन पढ़ते थे, आज आप ऑनलाइन पढ़ पा रहे हो, यूट्यूब पे सब पढ़ पा रहे हो, टेक्नोलॉजी है. पहले लोग कार्बन कॉपी लगाते थे रिपीट करने के लिए, आजकल फोटोकॉपी कर लेते हैं. पहले लोगों को बेसिकली कोई लेटर 10 लोगों को देना होता था, 10 को अलग अलग भेजना होता था, आज हम व्हाट्सएप कर देते हैं, टेक्नोलॉजी है. तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी चीज़ आएगी तो टेक्नोलॉजिकल में आ जाएगा. सर व्हाट इज़ पॉलिटिकल? पॉलिटिकल में याद रखना बच्चे, हमारी पॉलिटिक्स, हमारी गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है,
रिलेशनशिप ऑफ अवर गवर्नमेंट विद अदर गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, इसी तरीके से जितनी भी चीज़ें कहीं ना कहीं सरकार से रिलेटेड है, कोई सरकारी योजना है, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया मिशन, एजुकेशन कैंपेन, इस तरीके की कोई भी चीज़ जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जो सरकारी कोई योजना है, वो सब पॉलिटिकल में आ जाएगा। नाउ लीगल में क्या आएगा सर? लीगल में कोई कानून है, कोई लॉ है, कोई कोर्ट का जजमेंट है, कोई भी ऐसी चीज़ जो रिलेटेड टू लॉ है, कोई एक्ट है, कोई नियम है, कोई कानून है, कोई सुप्रीम कोर्ट का एक पर्टिकुलर जजमेंट है, वो सब लीगल में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो पांच बहुत आसान होते हैं आइडेंटिफाई करने, बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं क्योंकि वो इसको रिलेट नहीं करते। तो रिलेट करो अपने आसपास से कि चीज़ें कैसे चल रही हैं, तो वो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में ही आएंगी। आओ अब वन ऑन वन आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ। देखो सबसे पहले आ गया इकोनॉमिक, सभी फोर्सेज एंड फैक्टर्स विच बेयरिंग ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा और हमारे फंक्शनिंग पे इम्पैक्ट डालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन, डिस्पोजेबल इनकम, मॉनिटरी पॉलिसी, स्टॉक मार्केट, ये सब हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट बनते हैं। ठीक है, देखो जी जैसे लिखा हुआ है, अ हाई इन्फ्लेशन रेट इज सेट एज अ कॉन्स्टेंट एज इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर महंगाई ज़्यादा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाता है, तो दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड एज अ कॉन्स्टेंट, अ बैरियर, राइट। इसके बाद द पासिंग ऑफ GST बिल अफेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। GST बिल जब पास हुआ था तो फिर उससे सभी बिजनेस एनवायरमेंट्स पे इम्पैक्ट आया था, एक इकोनॉमिक आस्पेक्ट है। ठीक हो गया। अब देखो बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, सर GST, बेटा GST जब तक एक्ट नहीं लिखा आ रहा, अगर GST एक्ट वर्ड यूज हो गया ना, कोई भी एक्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कोई भी एक्ट है वो कानून है, वो लीगल में जाएगा। कोई भी बिल है, सर बिल क्या होता है? बिल सबसे पहले पास होता है पार्लियामेंट में, जब वो दोनों हाउसेस से पास होगा, प्रेसिडेंट उसको पास करेंगे, तब वो एक्ट बनेगा। तो एक्ट लिखा आएगा तो फिर लीगल में जाएगा, अगर सिर्फ बिल लिखा है जैसे GST बिल, तो इकोनॉमिक में जाएगा, डीमोनेटाइजेशन इकोनॉमिक में जाएगा, ये सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के पार्ट है। ठीक है, डीमोनेटाइजेशन ऑफ 500,000 नोट्स, सही हो गया। सोशल एनवायरनमेंट पे आते हैं, सोशल में क्या क्या आता है? सोशल में जो बेसिकली हमारे कस्टम, बिलीफ, लिटरेसी, एजुकेशन, सोशल वैल्यूज, लाइफस्टाइल्स, सब बेसिकली सामाजिक, चेंज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेस ऑफ वेमेन इन द वर्कफोर्स, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये बेसिकली सब समाज से रिलेटेड है, सोशल। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? टेक्नोलॉजिकल, विच इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। कोई भी सर टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताई थी, देखो ऑनलाइन सेल ऑफ ग्रोसरी आइटम्स, कंपनीज हैव स्टार्टेड न्यू वेज ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग अब नए तरीके से होती है ना, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उसके साथ साथ डिमांड फॉर LED, स्मार्ट HD TVs इंस्टेड ऑफ LCD, टेक्नोलॉजी बदल रही है भैया, राइट। ये सब टेक्नोलॉजिकल में आ जाएगा, आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लेते हो। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल। सर पॉलिटिकल क्या है? पॉलिटिकल में भी रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, अवर गवर्नमेंट, ठीक है। इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशन, जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स द बिजनेसेस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, ठीक है। पॉलिटिकल अनरेस्ट, अब देखो अगर किसी, जैसे अभी श्रीलंका का हमने हाल देखा था, सारी जनता सड़क पे थी क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, तो उनके साथ कोई भी ट्रेड नहीं करना चाह रहा था। तो जितना आपकी देश की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, उतना ओवरऑल वर्ल्ड वाइड आपके ऊपर भरोसा होगा लोगों को, उतना आपको बिजनेस मिलेगा, उतना आपके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, पोटेंशियल बनेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके साथ साथ थ्रेट्स टू लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ये अनसर्टेनिटी ला सकते हैं, परफेक्ट है या नहीं है, तो इसीलिए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सही है। अब देखो पॉलिटिकल में क्या क्या आ गया? स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया मूवमेंट, कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी, राइट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम, ये सब हमारे पास पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। इसके बाद हम चलते हैं लीगल के ऊपर, दैट इज द लास्ट वन। लीगल क्या है? कोई भी लॉ, कोई भी कानून, जब हम किसी एक्ट की बात करते हैं तो देखिए क्या लिखा है, वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेटिव एक्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशूड बाय द गवर्नमेंट, कोर्ट जजमेंट एज वेल एज डिसीजंस ऑफ वेरियस कमीशन एंड एजेंसीज, किसी तरीके का कोई कोर्ट का जजमेंट, ये सब लीगल में आ जाता है। ठीक है, जैसे लाइसेंसिंग एंड फॉरेन ट्रेड, लॉ क्या बोल रहा है, स्टैट्यूटरी वार्निंग, जो वार्निंग्स होती हैं, लिखा होता है ना स्मोकिंग किल्स या स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, वो लॉ है तभी तो लिखी है वो वार्निंग, राइट। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट, फिर से कोई एक्ट की बात हो रही है, तो ये सब लीगल में आ जाता है बेटा जी, ठीक है ना। एडवर्टीजमेंट्स ऑन अल्कोहलिक बेवरेजेस इज प्रोहिबिटेड, ये सब लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। तो हमने लीगल देख लिया, हमने पॉलिटिकल देख लिया, हमने टेक्नोलॉजिकल देख लिया, सोशल देख लिया और इकोनॉमिक देख लिया। आई रियली होप आप लोग को ये पाँचों ही आस्पेक्ट्स क्लियर हुए होंगे और आपको समझ में आया होगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स या डायमेंशंस हैं क्या।
अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक बचा है, दैट इज डीमोनेटाइजेशन। उसका सिर्फ मीनिंग और फीचर्स पढ़ने हैं। एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ कभी नहीं आया, बट स्टिल पार्ट ऑफ सिलेबस है, पढ़ेंगे और उसको भी अच्छे से कवर करेंगे। चैप्टर हमारा समाप्त। चलिए अब हम डीमोनेटाइजेशन की तरफ चलते हैं। तो सर, डीमोनेटाइजेशन होता क्या है? हिंदी में बोलते हैं नोटबंदी। बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट ये रहा है। अभी अगर देखा जाए तो 2000 के नोट्स भी कुछ टाइम में ऐसे हो जाएंगे कि आप उनको यूज़ नहीं कर पाओगे। बट दैट इज़ नॉट डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन बेसिकली होता है कि इमीडिएट इम्पैक्ट से ये नोट्स नहीं चलेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? डीमोनेटाइजेशन। हमें 2016 में एक झटका लगा था। मोदी जी रात को 8 बजे आए, तारीख भी 8 ही थी, ठीक है ना। आए रात को 8 बजे, उन्होंने बोला भाई साहब आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट अमान्य होंगे। इसका क्या मतलब है जी? कि 500 और 1000 के जो पुराने वाले नोट हैं वो कैंसिल हो जाएंगे और आपको उनकी जगह पे नए नोट्स इशू किए जाएंगे। तो कोई भी लीगल टेंडर जब इस तरीके से लीगल नहीं रहता तो उसको हम क्या बोल देते हैं? डीमोनेटाइजेशन। क्या है डीमोनेटाइजेशन? Demonetization is the act of cancelling the legal tender status of a currency unit in circulation. Government of India announces on November 8, 2016, with profound implications of Indian economy, the two largest denomination, 500 और 1000 के notes, वो क्या कर दिए गए? Demonetize कर दिए गए। जिनका purpose क्या था? उनका purpose ये था कि हम black money को curb करेंगे, corruption को कम करेंगे। That is the purpose जिसके तहत ये सारी चीज़ें करी गई थी, राइट। उस टाइम पे कितना सर्कुलेशन में था ये 500 और 1000 का नोट? देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास। दिस लेड टू 86% ऑफ द मनी इन सर्कुलेशन बीइंग इनवैलिड, ठीक है। द मेन एम वाज टू कर्ब करप्शन, ब्लैक मनी एंड इलीगल एक्टिविटीज। अब सर क्या क्या फीचर्स होते हैं हमारे पास डीमोनेटाइजेशन के? देखो सबसे पहले इट वॉज व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर का क्या मतलब होता है? कि कैश जो लोगों के पास है उसको वो बैंक में जमा करें, उस पर जो टैक्स बनता है वो टैक्स दें और इससे गवर्नमेंट के पास एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो जिससे वो आगे फर्दर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर होता है ये, सही है। जैसे कैश होल्डिंग्स राइजिंग फ्रॉम डिक्लेयर्ड इनकम वर रेडिली डिपॉजिटेड इनटू बैंक्स एंड एक्सचेंज फॉर न्यू नोट्स, बट दोज विद ब्लैक मनी हैड टू डिक्लेयर इनकम एंड पे अ टैक्स पेनल्टी। दूसरा, डीमोनेटाइजेशन ऑल्सो लेड टू टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर। जो आपने घर में पैसा जोड़ के रखा हुआ था वो एक प्रॉपर बैंक में आएगा, इन्वेस्टमेंट होगी उससे, तो उससे एक प्रॉपर हमें सेविंग इन्वेस्टमेंट की साइकिल मिलती है। जैसे आप इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हो कि जितना ज़्यादा इन्वेस्ट होगा उतनी ही ज़्यादा इनकम जनरेट होगी, तो उस तरीके से एक साइकिल डेवलप होती है। डीमोनेटाइजेशन इज़ टू क्रिएट अ लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी। ये कोशिश की जाती है कि इकोनॉमी में कैश कम हो, डिजिटल इकोनॉमी बने जिसमें डिजिटल पेमेंट्स हो। और ये हमने देखा भी है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद काफ़ी ज़्यादा लोग ऑनलाइन पेमेंट्स, बहुत UPI बहुत पॉपुलर है हमारे देश में। तो किस तरीके से हुआ? वन ऑफ द रीजंस वाज डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन इज ऑल्सो इंटरप्रेटेड एज अ मेजर टू इम्प्रूव टैक्स कंप्लायंस, टैक्स इवेजन, यानी टैक्स की चोरी ना हो, है ना। लोगों के पास जो अनअकाउंटेड मनी थी अब वो अकाउंटेड में कन्वर्ट हो, टैक्स के अच्छे से टैक्स पे किया जाए। ऑल दो ये इंडिया है भाई, इसके अंदर लोगों ने उसके भी तरीके निकाल लिए, बट द पर्पज वॉज दिस ओनली। फीचर्स यही रहते हैं हमारे पास डीमोनेटाइजेशन के। आई होप आप लोग को डीमोनेटाइजेशन क्लियर होगा और चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जल्दी से हम लोग प्लानिंग चालू करेंगे अगली क्लास में। चैप्टर हमारा समाप्त है। 3 चैप्टर्स हमने अच्छे से कर लिए। चैप्टर 4 आ ही रहा है आपके पास, कल और परसों में उसे भी समाप्त कर देंगे क्योंकि एज पर शेड्यूल मुझे चलना है। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप खूब अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।